वेलकम टू यर रॉकर्ट कैसे हैं आप सभी आज हम देखने वाले हैं अरोरा टे गार्डन मिस्ट्री अ बोन टू पिक तो मूवी की शुरुआत में हमें किसी अनजान इंसान की लाश को दिखाया जाता है जिसे कोई दफना रहा होता है लेकिन अभी हमें ये नहीं बताया जाता कि आखिर यह लाश है किसकी और इसे दफनाने वाला है कौन तो बस ये जानने के लिए आपको मूवी के एंड तक बने रहना होगा क्योंकि आगे चलकर ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो अब हम दो साल के बाद का सीन देखते हैं जहां पर द रियल मर्डर क्लब की मेंबर अरोरा सारे लोगों को एक केस के बारे में बताती है और इस केस को काफी टाइम से पुलिस वाले भी सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं लेकिन अरोरा ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके उस केस को आसानी से सॉल्व कर दिया है वो सारी डिटेल्स बताती है की आखिर उस केस में हुआ क्या था अब ये सुनकर सारे मेंबर हैरान हैराना जाते हैं कि यह तो काफी तेज वो सारे उसकी तारीफ करने लगते हैं फिर सारे लोगों का सुझाव होता है कि अरोरा को इस क्लब का प्रेसिडेंट बना देना चाहिए और जबकि प्रेसिडेंट में देखें तो टॉम नाम का एक आदमी प्रेसिडेंट होता है लेकिन अरोरा कहती है कि टॉम ने काफी अच्छे से इस क्लब को संभाला है तो इस बार के प्रेसिडेंट वोटिंग में मेरा वोट तो टॉम को ही जाएगा अब अरोरा से मिलने के लिए जेन नाम की एक बूढ़ी महिला आती है जो खुद भी उसी क्लब की मेंबर है वो अरोरा को कल अपने घर पर आने की दावत भी देती है क्योंकि उसके पास एक से बढ़कर एक रेयर डिटेक्टिव नोवेल्स का कलेक्शन है अरोरा चाहे तो उन्हें पढ़ सकती है जिस पर अरोरा उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है अब अगले दिन वो उसके घर आती है जहाँ इतनी सारी नोवेल्स का कलेक्शन देखकर वो दंग रह जाती है फिर जेन अरोरा को एक नोवेल देते हुए कहती है कि इसे ध्यान से पढ़ना ये तुम्हारे सारे केसेस तो नहीं लेकिन हाँ कुछ केस को सॉल्व करने में जरूर मदद करेगा इसलिए अरोरा उस नोबल को अपने पास रख लेती है अब रात को अरोरा के पास उसके जर्नलिस्ट दोस्त सैली आकर उसको एक बुरी खबर देती है कहती है जेन की हार्ट अटैक से मौत हो गई है कि सुनकर भी हैरान हो जाती है वो तुरंत सैली के साथ जेन के फ्यूनरल में जाती है वहाने के बाद उसकी मुलाकात जेन के दो पड़ोसी से होती है जिसमें एक मैकॉन और उसकी गर्लफ्रेंड क्लेयर होते हैं साथ ही मैकॉन सैली का बॉस भी है उसी के साथ जेन के दूसरे पड़ोसी डेविड और मार्शा भी होते हैं वो भी इसी फ्यूनरल में आए हैं तभी वहां पर अरोरा का एक्स बॉयफ्रेंड आर्थर अपनी पत्नी टीना के साथ आता है जो कि इस समय प्रेग्नेंट भी है साथ ही वो एक पुलिस ऑफिसर भी है ये देखकर अरोरा को थोड़ा बुरा भी लगता है लेकिन फिर भी वो आर्थर के साथ एक दोस्त की तरह रहती है अब फ्यूनरल के बाद अरोरा के पास जेन का लॉयर आकर उसे कहता है कि जेन ने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है अब ये सुनकर अरोरा हैरान रह जाती है कि भले ही मैं जेन की काफी टाइम से दोस्त थी लेकिन इतनी भी ज्यादा क्लोज नहीं थी कि वो सारी संपत्ति मेरे नाम कर दे अब रात को अरोरा जब जैन के घर पर आती है तो उसको सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई दिखती है ऐसा लग रहा होता है कि मानो किसी ने उसके घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की है और इतना ही नहीं वो इंसान अभी भी घर में मौजूद है ऐसा लग रहा है लेकिन जब तक अरोरा उसको पकड़ पाती तो वो पीछे के दरवाजे से भाग निकलता है अब अरोरा वहां अर्थर को बुलाती है जो की एक पुलिस ऑफिसर है वो बहाने के बाद पड़ोसी से पूछताछ करता है कि क्या किसी ने उस इंसान को यहाँ से भागते हुए देखा क्योंकि वो इंसान उस जगह पर भागा था जहाँ पर मैकॉन और डेविड का घर है अब डेविड और मार्शा से पूछताछ करने पर वो कहते हैं कि देखो हमारे घर पर तो पार्टी चल रही थी जिस वजह से हमने ध्यान नहीं दिया अगले दिन अरोरा जब जेन घर के घर की तलाशी ले रही होती है तभी उसको जेन के बेड के अंदर किसी इंसान की खोपड़ी दिखाई देती है जो की उसी इंसान की थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और ये देखकर अरोरा हैरान हो जाती है की आखिर ये खोपड़ी है किसकी और यहाँ पर कैसे आई साथ ही अरोरा इस बारे में पुलिस को ना बताने का डिसाइड करती है ताकि खुद इस केस को सॉल्व कर पाए इसलिए वो उस खोपड़ी को अपने घर लाकर अपनी माँ के बैग में छुपा देती है अब अरोरा इस बारे में सारे से डिस्कस करती है तो उसे वो नॉवल याद आता है जिसे लास्ट टाइम जेन ने खुद अरोरा को देते हुए ये कहा था कि बेटा ये तुम्हारे केस को अच्छे से सॉल्व करने में मदद करेगा तुम्हारी फिर उस नोवल के अंदर अरोरा को एक पेपर मिलता है जिसमे जेन ने लिखा था मैंने उस खोपड़ी वाले इंसान की जान नहीं ली लेकिन मुझे कुछ लोगों के ऊपर शक है इसलिए अब तुम्हारा काम है असली हत्यारे का पता लगाते हुए ये भी जानना है की आखिर ये इंसान कौन है इसलिए मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है मैंने हथियारे का पता लगाने की काफी कोशिश की लेकिन असफल रही पर मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसमें जरूर कामयाब हो जाओगी और ये पढ़कर अरोरा को समझ में आ जाता है कि शायद इसी हथियारों को ढूंढने के चक्कर में टेंशन की वजह से जैन को हार्ट अटैक आया होगा जिसके उसकी जान चली गई और अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस केस को सॉल्व करे अब अरोरा उन दोनों पड़ोसियों के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर देती है कि आखिर उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है तब उसको सैली के जरिए पता चलता है कि मैकॉन का डायवोर्स हो चुका है जिसकी पहली पत्नी लैन नाम की एक महिला थी और उससे जो बेटा हुआ था वो अचानक ही कहीं गायब हो गया इसलिए अरोरा की शक की सुई सबसे पहले मैकॉन पर जाती है कि शायद उसने अपने बेटे को मार दिया हो क्योंकि उसका तो वैसे भी लैन से डाइवोर्स हो चुका था इसी के साथ उसे मार्शा से पता चलता है कि मार्क नाम के एक लड़के ने रेंट पर उसका घर लिया था लेकिन रेंट दिए बगैर ही कहीं गायब हो गया जिससे अरोरा को लगता है कि शायद हो सकता है मार्शा और डेविड ने मार्क को रेंट न देने की वजह से उसे मार दिया हो लेकिन अभी कोई भी चीज कन्फर्म नहीं होती अब अरोरा जैसे ही अपनी कार के पास आती है तो वहाँ पर उसको एक नोट रखा हुआ मिलता है जिसमे लिखा होता है वो खोपड़ी कहां पर है और यह पढ़कर वो सच में दोबारा हैरान हो जाती है कि आखिर इसके बारे में किसी को भला कैसे लग गई कि वो खोपड़ी मेरे पास है ये जरूर उस किलर का ही काम होगा इसके बाद वो रात को चर्च के फादर के फादर साथ डेट पर जाती है और इस फादर को अरोरा के लिए चुना था जिसमें वो वो सफल भी रही। क्योंकि वो दोनों पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं अब अगले दिन अरोरा को इंटरनेट पर मार्ग के बारे में पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है और सोशल मीडिया पर एक्टिव भी है जिससे वो समझ जाती है कि वो खोपड़ी मार्ग के तो हो नहीं सकती अब कुछ टाइम के बाद अरोरा अपने आस के इलाके को गूगल अर्थ पर देखने लग जाती है जिससे उसे दो साल पहले की और अभी की जगह पर किसी तरह का निशान बना हुआ दिखाई देता है ऐसा लग रहा होता है कि दो साल पहले वहां पर कुछ चीज छुपाई गई थी और अभी की फोटो जो रिसेंट में खींची गई है उसमें वो जगह दिखाई नहीं दे रही यानी कि वो जगह पेड़ पौधे या घास वगैरह से छुप गई होगी इसलिए अरोरा को लगता है की हो न हो उस खोपड़ी का पूरा कंकाल उसी जगह पर छुपाया गया होगा अब रात के वक्त वो सैली के साथ उस जगह की खुदाई करती है जिससे उन्हें वहाँ पर पूरा कंकाल मिल जाता है और इसी कंकाल का सर जेन के घर से मिला था आप कंकाल को देखकर सारी तो डर के मारे पुलिस को वहां पर बुला लेती है तो उस कंकाल को फिर कलेक्ट कर लेते हैं फिर अरोरा और सली से पूछताछ करने पर कि उन्हें एक कंकाल कैसे मिला वो बहाना कर देते हैं कि हम तो अपनी बिल्ली को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए थे तो तभी हमें कुछ हड्डियां बाहर निकली हुई दिखाई दी इसलिए हमने आपको कॉल कर दिया फिर अगले सीन में अरोरा जब लाइब्रेरी में होती है तो उसे वहां पर लैन दिखाई देती है जो कि की मैकॉन की एक्स वाइफ है वो वहां उससे उसके बेटे के बारे में पूछती है जिससे अरोरा को पता चलता है कि वो तो कभी लापता ही नहीं हुआ बल्कि वो इंग्लैंड में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है अब इससे अरोरा समझ जाती है कि वो खोपड़ी लैन के बेटे की भी नहीं है और जिन दोनों इंसान पर उसे शक था वो तो खोपड़ी वाले इंसान है ही नहीं तो आखिर ये खोपड़ी है किसकी अब अगले दिन अरोरा क्लेर के बुटीक शॉप पर जाती है जहाँ कपड़े के बहाने वो उससे उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करती है जिससे उसको पता चलता है कि क्लेयर का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था ब्रैड लेकिन उससे जब पता चला की कि ब्रैड किसी दूसरी लड़की में इंटरेस्टेड है तो ब्रैड को उसने छोड़ दिया और अब वो मैकन के साथ रहती है पर उसके बाद से ब्रैड को किसने देखा नहीं ये भी बात है और इस चीज को आज करीब दो साल गुजर चुके हैं क्लेयर को उसका नामो निशान तक नहीं पता की कहा वो फिर इस चीज को सुनकर अरोरा का सबसे शक ब्रेड पर ही चला जाता है कि हो ना हो वो खोपड़ी ब्रेड की होगी जिसे शायद मैकोन ने मार दिया हो क्योंकि वो क्लेर को पसंद करता था ना इसीलिए और हो सकता है कि ब्रैड उसके रास्ते का कांटा बन रहा हो उस समय फिर अरोरा ब्रैड के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है कि आखिर इन दो सालों में ब्रैड जा कहां सकता है लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती जिसके बाद वो टीना के पास आकर उससे कंकाल के बारे में पूछती है कि कुछ पता चला कि वो कौन हो सकता है अब इस पर टीना कहती है उसके दांतों के डीएनए से तो यही लगता है कि वो ब्रेड ही है लेकिन अभी तुम इसके बारे में किसी को मत बताना जब तक डिपार्टमेंट कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना दे दे तब तक ठीक है इससे अरोरा को समझ में आ जाता है की उसका शक बिल्कुल सही

मैकोन ने ब्रैड के साथ किसी तरह का फ्रॉड किया था इसके खिलाफ ब्रैड ने कोर्ट में भी केस दर्ज करवाया लेकिन तीन सुनवाई के टाइम वो कोर्ट नहीं पहुंचा और हो गया मुझे यकीन है कि ने ही ब्रैड को को मारा होगा और अब इसीलिए अरोरा पर नजर रखना शुरू कर देती है लेकिन को जब भनक लगती है की अरोरा उसका पीछा कर रही है तो वो उसको धमकाना शुरू कर देता है की मेरा पीछा करना छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा फिर अरोरा अपने सारे साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है की हमें कैसे भी करके यहाँ पर एक पार्टी अरेंज करनी होगी ताकि उसमें सारे पड़ोसियों को इन्वाइट कर

एकदम उदास हो जाती है वहीं इस बारे में जब टीना को पता चलता है तो वो उनकी इस हरकत की वजह से अरोरा और उसके साथियों से कहती है मैं तुम सभी पर सबूत के साथ छेड़छाड़ करने का केस दर्ज करूंगी क्योंकि मैंने कहा था ना ऑफिशियल स्टेटमेंट के बगैर किसी को कुछ मत बताना और ये सुनकर अब सारे लोग घबरा जाते हैं कि कहीं ये सच में कुछ कर दे फिर अरोरा घर आकर सारे को फाड़ देती है जो उसने इस केस को सोल्व करने में जमा किए थे तब उसे वहां पर वही नोबल दिखाई देती है जो चेन ने उसको दिया था उस नोबल में एक लेडी किलर के बारे में लिखा होता है जिससे अरोरा सोचती है मैं सिर्फ किसी आदमी को किलर समझ रही हो, हो सकता है वो किलर कोई लड़की हो इसलिए वो सैली को फोन करके बताती है कि शायद मुझे पता चल गया है ब्रेड का कातिल कौन है पर पर तभी वहां डेविड और मार्शा आकर अरोरा को पकड़ लेते हैं और अब यहां पर रिवील होता है कि डेविड ही वो इंसान था जो अरोरा अरोरा के 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 घर आने बाद पीछे के रास्ते से से भाग गया था मार्शा से कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो बहुत शातिर है मानना पड़ेगा तुम तो जल्दी हमारा कांड सबके सामने लेकर आ जाती इसलिए मजबूरन हमें तुम्हें पकड़ना पड़ा जिसके बाद वो बताती है कि ब्रेड को मारने वाली मैं ही थी वो मेरे साथ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा था और सेल्फ डिफेंस करते हुए मैंने उसको मार दिया मेरा इरादा वैसे उसको मारने का नहीं था लेकिन ये सब अनजाने में हो गया शायद जेन ने हमें ब्रैड की बॉडी को दफनाते हुए देख लिया होगा इसलिए उसने ब्रैड की खोपड़ी निकालकर मरने से पहले तुम्हारे लिए छोड़ दिया ताकि तुम मामले की अच्छे से जान कर पाओ लेकिन अब जब तुम सारी चीजें जान चुकी हो तो तुम्हें भी मरना होगा यानी कि ब्रैड जिस लड़की में इंटरेस्टेड था वो लड़की मारशाही थी इसलिए क्लेयर ने उसे छोड़ दिया और वो मैकन के साथ हो गई लेकिन इससे पहले वो अरोरा को मार पाते वहां पर टीना आ जाती है जिसे सैली ने फोन करके सारी बात बता दी थी टीना वहां

Thanks for watching!